हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज सिखाऊंगी ये वाला सॉक्स, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। चलिए मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। ये देखो, ये 50 ग्राम ऊन में ये दोनों सॉक्स बनके तैयार हो जाएंगे। और ये हमने 10 नंबर की सिलाई ली है। ये देखें, इस तरह से हमें 50 फंदे डालने हैं। तो 50 फंदे डाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने 50 फंदे डाल लिए हैं। अब 50 फंदे डालने के बाद आप देखें, एक दो, पूरी रो हमें इसी तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। ये देखो, हमने उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लिया एक। अब इधर से भी हमें उल्टा ही बुनना है इस तरह से। तो बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, दो सिलाई हमने निकाल ली, एक उधर से तो एक इधर से। तो अब देखें, डिजाइन स्टार्ट होगी इसकी, जिस तरह से हमने इसको ऊपर बॉर्डर बनाया है। और ये देखें, हमने जो डिजाइन डाली हुई है, आप चाहें तो इसमें मोती भी लगा सकती हैं, जैसे यहाँ पे एक मोती, यहाँ पे एक, यहाँ पे। तो ये डिजाइन डाली हुई है, यहाँ पे प्लेन फंदे हैं, यहाँ पे बॉर्डर है, ये नीचे उल्टा उल्टा, फिर प्लेन फंदे। तो देखें, डिजाइन स्टार्ट करती हूँ। एक उतार लिया, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। अब सात के बाद देखें, एक फंदे को मैंने सीधा बुन लिया, ये डिजाइन वाला है। अब फिर देखें, एक फंदे को हमने फिर से उल्टा बुन लिया, फिर एक फंदे को सीधा, अब यहाँ पे दो फंदे उल्टे, ये देखें। अब देखें, यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः फंदे हमने सीधे बिन लिए। अब देखें, 12 फंदे हमें उल्टे बिनने हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह के बाद छह फंदे फिर से सीधे, एक, दो, तीन, चार, ये देखो छह हो गए सीधे, फिर से दो उल्टे, फिर एक यहाँ पे सीधा, एक उल्टा, फिर एक सीधा। अब यहाँ पे सात फंदे उल्टे, देखें, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। तो दो फंदे मेरे ज़्यादा हैं, तो 48 फंदे में ये सॉक्स बनके तैयार हो गया है। तो 48 फंदे, यहाँ पे दो फंदे हम कम कर देंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। तो दो फंदे हमने कम कर दिए, 48 फंदे आप डालिएगा, 48 फंदे में ये डिजाइन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब उल्टी तरफ से हमें उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। ये देखें, अब उल्टे फंदे हैं वो हम उल्टे बिन लेंगे, साइड के सात फंदे, और साइड से एक फंदे को उतारना है ताकि हमारी ये चैन अच्छे से बन सके। जैसे हमने ये देखें चैन बनी हुई है, इसी तरह से ये चैन बनेगी। और जो सीधा है तो हम सीधा बुन लेंगे, उल्टा है तो बीच में हम उल्टा बुनेंगे, सीधा है तो हम सीधा बुनेंगे। दो फंदे फिर से उल्टे हैं तो हम उल्टे बुन लेंगे, छह फंदे सीधे हैं तो हम सीधे बुन लेंगे। ये देखें, पूरी रो इसी तरह से, 12 बीच में उल्टे हैं तो हम उल्टे बुनेंगे। तो बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उल्टी रो हम नहीं बताएंगे, उल्टी रो हमें उल्टा उल्टा बुनते हुए को देखें। ये सात फंदे उल्टे, अब चार सिलाई निकाल ली है, ये पांचवी सिलाई पे डिजाइन डालूंगी। तो ये बैक साइड धागा कर लिया, यहाँ पे जो हमने सीधा फंदा बिना था
अब देखें, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमें यहाँ से फिंदे को उठाना है। ये देखें, लूप्स बनाना है इस तरह से। फिर से हमने अपनी साइड धागा कर लिया, फिर से हमने एक फिंदे को निकाल लिया। ये देखें, 3 बार कर लिया। ये देखें, 4 बार, और ऊपर वाले फिंदे से 5 बार, और ये बीच में उल्टा है तो हम उल्टा बुनेंगे। अब फिर से देखें इस तरह से अपनी साइड धागा, फिर इस तरह से, फिर अपनी साइड धागा, फिर इस तरह से। ये देखें, 2 उल्टे हैं तो हम उल्टे बना लेंगे, सीधे हैं तो हम सीधे बनाएंगे। यहाँ पे हमें कोई डिजाइन नहीं डालनी है, 6 फिंदे सीधे चलेंगे बराबर, और बीच में 12 फिंदे जो चल रहे हैं वो भी इसी तरह से उल्टे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। अब देखें यहाँ पे, फिर से हम उसी तरह से डिजाइन को बनाएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, ये देखें 4 बार, ये देखें 5 बार, उल्टा फिंदा है तो हम उल्टा ही बुनेंगे। फिर से यहाँ पे देखें डिजाइन, डिजाइन को हम इसी तरीके से बनाएंगे। ये देखें यहाँ पे उल्टे हैं तो हम उल्टे बुनेंगे। पूरी रो अब उल्टी तरफ देखें, उल्टी तरफ हमें क्या करना है, जो साइड से जो फिंदे चल रहे हैं वो इसी तरह से चलते रहेंगे, इनमें हम कुछ नहीं अभी करेंगे। अब देखें, हमने ये 7 फिंदे बिन लिए। अब यहाँ पे जो हमने बनाए हैं फिंदे, उनको हम, ये देखें, सारे फिंदे ले लेंगे। ये देखें, और ये देखें कि बीच का फिंदा है उसको उल्टा वाला, उसे देख के बुनना है। ये देखें उल्टा है, मेरा ये उल्टा है, तो हमने यहाँ तक फिंदे बढ़ लिए सिलाई में और इस तरह से कर दिया। अब इसको देखें, सीधा फिंदा मिल जाएंगे। फिर अपनी साइड धागा, फिर उसी तरीके से सारे फिंदे बढ़ लिए, फिर बैक साइड धागा, सिर्फ एक फिंदे को उल्टा बनेंगे। सिर्फ ये उल्टी सिलाई में करना है जब डिजाइन बनाना है, बाकी हम उल्टा ही उल्टा बुनते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखो फिर से डिजाइन की, ये देखें जो बीच का फिंदा एक चल रहा है वो देखें, इधर से हम सीधा बुन लेंगे। फिर अपनी साइड धागा कर लिया, अब बैक साइड एक फिंदे को हम इस तरह से कर लेंगे, बट डिजाइन के साइड साइड से, बाकी फिंदे हम इसी तरह से बुनेंगे। अब देखें सीधी साइड, 7 फिंदे हम बॉर्डर वाले वो इसी तरह से बुनेंगे। ये देखें, अब यहाँ पे जो डिजाइन वाला फिंदा है उसे हम सीधा बुनेंगे, बीच में एक उल्टा है तो हम उल्टा बुन लेंगे। ये देखें डिजाइन इस तरह से पड़ती जाएगी। इसी तरह से मैं बुन लेती हूँ, इधर आपको दिखा लास्ट के फिंदे जो हमने सीधे बुने थे डिजाइन वाले, वो हम सीधे ही बुनेंगे, इनको हम उल्टा नहीं करेंगे, सिर्फ सीधा सीधा बुनना है। तो 4 सिलाई इसी तरह से निकालूंगी। अब देखें इधर की साइड पे हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है।
ये देखो चार सलाई फिर से हमने निकाल ली। चार सलाइन के बाद अब देखें फिर से हम डिजाइन को डालेंगे। ये देखें अपनी साइड धागा, फिर अपनी साइड धागा, ये देखें इसी तरह से ये डिजाइन पड़ेगी। अब यहां पे फिर से देखें, यहां से हमें फिंदे को उठाना है, यहां से हर एक सिलाई में इसी तरह से हम उठाते आएंगे। ये देखें इसी तरह से उठा लेती हूँ, फिर आपको दिखा। अब देखें उल्टी साइड एक बार और समझ लें अच्छे से, ताकि आपकी अच्छे से डिजाइन बन सके। ये देखें अब यहाँ से सात फिंदे हमने बिन लिए, यहाँ से देखें इस तरह से सारे फिंदे हमें निडल पे डालने हैं इस तरह से। और बीच वाला फिंदा को ध्यान रखिएगा वो साथ में नहीं जाए। ये देखें और बैक साइड कर लेंगे। अब इसको हम सीधा बुन लेंगे, सिर्फ एक बार है यहाँ, जब हम डिजाइन को कंप्लीट करते हैं तब ही हम ये इसको उल्टा बुनते हैं, बाकी हम उल्टे ही उल्टा बुनते आते हैं। ये देखें ये देखें एक उल्टा बन लिया, अपनी साइड धागा कर लिया, पूरी रो इसी तरह से हम बनाएंगे। ये देखो अब हम एक एक फिंदे को यहाँ पे सीधा सीधा बुनते जाएंगे। इसी तरह से हमें डिजाइन को डालते रहना है दोनों तरफ से। ये देखें इधर भी पड़ रही है डिजाइन और इधर भी पड़ रही है, बीच में इस तरह से ये फिंदे चलते रहेंगे बराबर। तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो मैंने इसको बना लिया है। अब आगे का हमें किस तरह से बनाने हैं, ये एड़ी से लेके पूरी एड़ी और ये पंजा बनाएंगे आगे की साइड पे। तो देखें पंजा किस तरह से बनेगा, यहाँ पे देखें इस तरह से दो का एक कर देंगे। साइड के जो हमने सात फिंदे लिए हैं उन्हें छह फिंदों को कम करना है दो का एक करते हुए। ये देखो हमने कम कर दिए इस तरह से, बाकी फिंदे हम इसी तरह से बुन लेंगे। ये देखें इधर से भी हम छह फिंदे कम कर देंगे। ये देखें हमने छह फिंदे कम कर दिए बैक साइड। अब जो डिजाइन पड़ी हुई है मैं डिजाइन डालूंगी उसी तरीके से। अब हमें कोई फिंदे अभी कम नहीं करने हैं जब तक कि ये पंजा बन के तैयार ना हो जाए। ये देखें उल्टा है तो हम उल्टा बुन लेंगे। अब डिजाइन साइड साइड से बराबर इसी तरह से चलती रहेगी और ये भी फिंदे जिस तरह से चल रहे हैं उसी तरह से चलते रहेंगे। तो मैं बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो मैंने बना लिया है। अब ऊपर की साइड देखें किस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे देखें ये डिजाइन वाले फिंदे इसी तरह से। अब देखें दो का एक, ये देखें इस तरह से, फिर दो का एक, फिर से दो का एक, फिर से दो का एक। अब यहां पे उल्टे फिंदे हैं तो हम उल्टे ही इस तरह से बुनेंगे।
ये देखें हमने सारे फिंदे दो का एक करना है, सिर्फ डिजाइन वाले दो फिंदे छोड़ते हुए। अब यहाँ पे उल्टे हैं तो हम ये दो फिंदे इस तरह से कर लेंगे। अब उल्टी रो हमें उल्टी ही बनाते हुए कंप्लीट करना है इस तरह से। तो पूरी रो हम बना लेते हैं। फिर देखा सुई में हमने ये धागा कट कर दिया और ये देखें उल्टी तरफ से हमने सुई को इस तरह से सारे फिंदे हमें सुई पे ले लेने हैं। ये देखें खींच लिया धागे को बुल को इस तरह से। अब यहाँ पे देखें इधर से हमने निकाल दिया इसको, देखें इस तरह से। ये देखें अब उल्टी साइड से देखना यहाँ पे इस तरह से कर देंगे। अब जरा सा इसका है तो हम इस तरह से और कर लेंगे। अब देखें इधर देखें ये इस तरह से छेद बिल्कुल बंद हो गया। अब देखें हमें ऊपर से सिलाई करना है इसकी, तो देखें किस तरह से हम करेंगे। ये देखें एक इधर से और एक उधर से, ये देखें यहाँ से लेके हमें यहाँ तक सिलाई करना है। इसको नहीं सिलेंगे तो इतना सिल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमने ये सिल लिया है, ये देखें ये सिल चुके हैं। आगे की तरफ से हमने सारा सिल लिया। अब ये देखें पीछे की साइड पे, पीछे की साइड पे हम किस तरह से एड़ी की तरफ से, तो ये देखें इसको हम पक्का करते हुए यहाँ से सिलेंगे। ये देखें इतना अब हम राउंड शेप में सिल देंगे इसको एड़ी के लिए। ये देखो इस तरह से, ये देखो और इसको इस तरह से हम ये देखें इसको कट कर देंगे धागे को। तो ये देखें एड़ी की शेप इस तरह से आएगी नीचे की तरफ। ये देखें ये देखें सॉक्स बन के तैयार हो गए। ये देखें इस पे एक बटन भी लगाएंगे, तो ये देखें यहाँ पे, यहाँ पे बटन इस तरह से लगा देंगे।
ये देखें बटन इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से इसको पक्का कर दें। इसकी फिटिंग भी बहुत सुंदर आई हुई है, ये इस तरह से लगेगा। ये देखें इसकी बैक साइड है और ये देखें इसकी साइड पे, ये बहुत ही सुंदर लग रही है।